साहब, सब कैसे हो? हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ सोमवार। तो आज है सोमवार और आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोपहर के बज रहे हैं, मतलब मॉर्निंग समझ लीजिए, 11 बज रहा है और आज मुझे करना है 16 सोमवार का अध्यापन। तो हमारे यहाँ रायट मंदिर है, जो कि आप पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं, उस मंदिर को मैंने पूरे अच्छे से दिखाया है। तो आज मैं वहाँ पर 16 सोमवार का अध्यापन करूँगी और मैं सुबह से तैयारी में लगी हूँ और जो भी अध्यापन में सामान है वही सुबह से इकट्ठा कर रही हूँ। और ट्विंकल को उसकी दादी नहला रही है, बहुत रो रही है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या क्या सामान इकट्ठा कर पाई हूँ, जो भी कर पाई हूँ वही देकर कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं वापस फिर 16 सोमवार रहूँगी, फिर अध्यापन करूँगी। तो ये चक्र तो मेरा जीवन जब तक है चलता ही रहेगा। तो अभी मैं खाने की सारी तैयारी कर ली, मैं मंदिर से जब हवन करा के आऊँगी तो फिर आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ होता है। तो अभी चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या सामान लगता है। और हमारे तिवारी जी गुस्सा से हमको देख रहे हैं कि इतना लेट हो रहा है फिर भी वीडियो बन रहा है, पर क्या करें, ये तो मेरा प्रोफेशनल काम है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या सामान इकट्ठा कर ली हूँ। और 16 सोमवार के अध्यापन में चूरमा बनता है, जो कि घी में पूरी बनती है और उसमें गुड़ मिला के उसका छोटा छोटा लड्डू बनता है, वो प्रसाद होता है, वो मेन प्रसाद होता है। बाकी जो भी है साड़ी है या पार्वती जी को दे दीजिए, भोलेनाथ को, थोड़े बर्तन दे दीजिए, सीधा पानी दे दीजिए, जो भी आपके पास है यथाशक्ति दान दक्षिणा दे के हवन करा दीजिए। तो यही सब क्रिया होती है। तो अभी पंडित जी 12 बजे मंदिर पे आने वाले हैं और हम लोग वहीं पहुँचेंगे। तो मैं यहाँ सारा सामान व्यवस्था कर दी हूँ और हम लोग लेके चलेंगे वहाँ पे होगा। वहाँ के आने के बाद हम कन्या खिलाएंगे और पंडित जी को खिलाएंगे। तो अभी तिवारी जी नहा चुके हैं और जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कुर्ता धोती कैसे पहनूं, पर सोच रही हूँ उनको पहना दूं। और मैं भी येलो साड़ी पहनने वाली हूँ अपनी शादी की, क्योंकि पूजा पाठ में आप रेड और येलो पहनते हैं तो अच्छा रहता है। पहले मैं चुन्नी पहनने वाली थी, पर मुझे काम भी रहता है तो डिस्टर्बिंग होगी, तो मैं सिंपल। तो ये सब है पूजा के सामान जो हम मंदिर ले जा रहे हैं। चूरमा का प्रसाद है, ये थाली है, पूजा का लोटा है, ये जनेऊ है, घी है, बेलपत्र है, ये तेल है, और ये साड़ी कपड़ा है, बर्तन है, कुछ वस्त्र हैं, और भी सामान है जो कि पंडित जी जब खाना खाने घर पे आएंगे तब देंगे। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो ये है मंदिर का पूरा लुक, यहाँ से एंट्री होता है मंदिर का, और ये सामने मंदिर है, कुंड है। आ गए हैं मंदिर के गेट पे और हमारी भांजी भी साथ में आई हैं, खुशी, जिसको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया है। तो ट्विंकल, मुझे 1 घंटे लग जाएंगे हवन अध्यापन में, तो ट्विंकल को संभालने के लिए कोई चाहिए। तो माँ जी नहीं आ सकी क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो वो घर भी देखना ज़रूरी है, तो वो घर पे हैं। तो मैं ट्विंकल को संभालने के लिए खुशी बहनी को ले आई हूँ और मैं आ गई हूँ मंदिर के गेट पर। ये मंदिर बहुत अच्छा है, मैं सावन की सोमवार में भी यहाँ आई थी। उसका इस मंदिर का पूरा वीडियो आप उसमें देख सकते हैं मेरे पिछले ब्लॉग में, रायट मंदिर सर्च करके। तो मैं आज येलो साड़ी पहनी हूँ, तो आप देख लीजिए, बस मैं सिंपल येलो साड़ी पहन के आई क्योंकि इतना काम हो जाता है। और पंडित जी भी आ चुके हैं, तो हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और आपको पूरा मंदिर दिखाने वाले हैं। और वहाँ पे आसन बिछाएंगे, सब पूजा की सामग्री रखेंगे। और हमारे हस्बैंड जी गए हैं सामान लाने, अभी कुछ सामान था जो हमारे पास नहीं था वो लेने गए हैं, जैसे फ्रूट वगैरह हो गया, अगर हम पहले से लेते तो ख़राब हो जाता, तो गए हैं लेने के लिए। और बाकी मैं घर से ही सब प्रसाद वरसाद रेडी करके लाई हूँ। तो आप लोग मेरा अध्यापन देखते रहिए, मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। बहुत ज़्यादा रो रही है, आप देख लीजिए कितना रो रही है। आज इसकी तबीयत नहीं ठीक है, इसको फीवर भी है। पर मम्मा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया? तो ये है मंदिर, आप देख लीजिए। तो जय श्री शंकर माता, बहुत ही प्यारा श्री शंकर और माता गौरी का मंदिर है, ये शिवलिंग है। क्या हुआ ट्विंकल, क्यों रो रही हो बाबू? तो इसी तरह से आपको ना इसके मंदिर में जब आप परिक्रमा करेंगे तो चारों तरफ देवी देवता इसी तरह मिलेंगे, श्री राम सीता लक्ष्मण जी हैं और इसी तरह है सब जी भी हैं, माता रानी। तो इसी तरह लोग 5 बार यहाँ परिक्रमा भी करते हैं और सभी देवी देवता का दर्शन भी करते जाते हैं।
तो ये हमारा सब सामान भी यहाँ पे मैंने रेडी हो गया है, तो हम जा रहे हैं लगाने और हमारा पूजा शुरू होने वाला है। पंडित जी आ गए हैं। अब हम ये थोड़े घुघटवा ऊपर करो मामी। तो आप देख रहे हैं कि ट्विंकल जब हम लोग पूजा पे बैठे हैं तो ट्विंकल जय 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 कर रही है। ट्विंकल तब तक जय करती रह गई जब तक हमने पूजा किया, तो मुझे ट्विंकल में श्रद्धा बहुत कूट कूट के भरा है। तो मेरी प्यारी सी बच्ची का जय अच्छा लगेगा। तो हमारा 16 सोम पूरा हो गया और 17वां सोम का पूजन, ये मंदिर है। और ट्विंकल चुप मार के बैठी है, वो बदमाशी बिल्कुल भी नहीं की आज, और थोड़ा सा रो रही थी क्योंकि इसकी तबीयत डिस्टर्ब थी। तो अभी इसके बाद हवन होगा और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो फिर हमारा ये हो गया, फिर वापस ट्विंकल जय जय करने लगी और पंडित जी ने बहुत अच्छे से सब पूर्ण कर दिया। तो अभी ये व्रत जरूर रखें और इसमें 16 सोमवार की सामग्री भी मैंने दिखा दी है और व्रत पूजन भी, आप तो मेरे ब्लॉग में आप ये सब जान सकते हैं। अच्छे अग्नि देवता के ध्यान करें। ओम शांति गोत्र से बेखद भव मनल भाई तीन तू सिंधु हाँ अच्छा तो ये बेल पाता कृष्ण तुलाकार में जाती है पास संगारम बिल्लो के फूल माल जाती हूँ दो दिन तेने एकदम ये आमी और कपूर का मामा डाल रहे हैं बगले थे जा हमारा कर दिया जाए और उनका मी जा ऐसे चलो ऐसे तो खावा वही ना। हाँ जय हो, जय जय कही ना इस्लाम में से जय करा बेटा। हाय ओम ओम भगवते सते सुन भगवते स्वाहा ओम भगवते सते यस ओम भगवते सते स्वाहा ओम प्रजापते नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम आग्ने नमः स्वाहा। तो अब हो गया है हमें शाम और मंदिर से आते आते हो गया है शाम और पंडित जी को भी हमने खाना खिला दिया है और अभी कन्या लोगों को खाना खिलाना है तो वहाँ खिला के और उसके बाद ही हम भी खाना खाएंगे और हमारे घर में सब लोग खाएंगे। तो आपको हमारा मंदिर कैसा लगा, हमारा अध्यापन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप लोग भी 16 सोमवार का व्रत जरूर रहें, बहुत ही अच्छा होता है। और अगर जो आपको नहीं पता कैसे रहना चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल होता है, चूरमा बना लीजिए, हवन करा लीजिए, पंडित जी को बुला के आपका अध्यापन हो गया। मनोकामना सबकी भोलेनाथ पूर्ण करती हैं। तो आप भी रहिए और आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे दोस्तों।